चंद्रपुर क्षेत्र के किसान कलमा धान खरीदी केंद्र के विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका मांग है कि कलमा नया धान खरीदी केंद्र गांव से बहुत दूर है, सड़क की हालत भी खराब है, जिससे आने जाने में तकलीफ होता है, जबकि चांदली में खरीदी केंद्र बनाए जाने पर सड़क लगा हुआ है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यही वजह है कि किसान उसका विरोध कर रहे हैं। चंद्रपुर क्षेत्र के किसान पहुंचे चंद्रपुर किसान बैंक में अपना विरोध दर्ज करवाने सुपरवाइजर को दिया ज्ञापन। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रपुर तथा आसपास के गांव के किसान सोमवार को चंद्रपुर पहुंचे और जो नया धान खरीदी केंद्र गांव कलमा में बन रहा है उसके द्वारा विरोध किया गया और नया धान खरीदी केंद्र सड़क के ऊपर में लगे चांदनी गाँव में खरीदी केंद्र बनवाने की मांग किया। किसानों ने पूर्व में भी चांदनी में धान खरीदी केंद्र की मांग के लिए जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिला उपपंजीयक को ज्ञापन दे चुके हैं, मगर इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्र के किसानों का कहना है कि नया धान खरीदी केंद्र कलमा, जिसका रोड बहुत ही खराब स्थिति में है और यह गांव काफी दूरी पर पड़ जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र के किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सड़क के ऊपर बसा ग्राम चांदनी बिलाईगढ़ में नया धान केंद्र बनाया जाए। पूर्व में चंद्रपुर के सुपरवाइजर का कहना है कि उनको मौखिक रूप से फोन में उप पंजीयक के द्वारा चांदनी गांव का निरीक्षण करके वहीं धान खरीदी केंद्र बनाने की बात कही गई थी, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए नया धान खरीदी केंद्र कलमा में ही बनाने का औचित्य किसानों के समझ से परे दिखाई पड़ रहा है। बिलाईगढ़ चांदनी बिल्हा भाटा पर सदा बारागुड़ा चारपाली गोपालपुर आदि गाँव के किसानों ने सड़क से लगे हुए गाँव चांदनी में नया धान खरीदी केंद्र बनाने का मांग किया है। अगर इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो किसानों का कहना है कि हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। पटेल ग्राम बिल्हा भाटा, मैं छोटा सा किसान हूँ और जो कलमा में मंडी, धान मंडी के लिए प्रस्तावित किया गया है वो बहुत असुविधा है। वहाँ तो रोड सिंगल है, एक ट्रैक्टर जाने के बाद दूसरा ट्रैक्टर वहाँ से आने में बहुत दिक्कत है और बीच में न होने के कारण जामाटा प्रसादा के किसानों की वो बहुत दूरी पड़ रहा है, इसलिए माने मंडी को चंदली में केंद्र बिंदु में रखा जाए। हम सभी किसान चंदली महादेवपाली बेरा भाटा करके सब दो तीन ठगाव करके ज्ञापन सौंपने के लिए सोसाइटी आए हैं। क्या समस्या है? कि हम धान खरीदी केंद्र कलमा हो गया है, उसको हम लोग चंदी करना चाह रहे हैं। इसके लिए ज्ञापन किसानों ने और दिया है कि? हाँ, उप पंजीयक को दिया है, कलेक्टर महोदय को दिया है और तहसीलदार महोदय को दिए हैं, जिला सरकारी समिति में दिया गया है, जिला सरकारी समिति चंद्रपुर में भी दी। रब्बानी, बिलाईगढ़, पठान, ग्राम पंचायत चंदली आवासी ग्राम बिलाईगढ़ का निवासी हूँ और छोटा सा किसान हूँ और किसानों के हित में जो मंडी बनाया जा रहा है कलमा में, केंद्र बिंदु कलमा दिया गया है, जो कि वो केंद्र बिंदु ना हो करके चंदली होना चाहिए। 2017 में चंदली का मांग भी किया गया था, प्रस्ताव भी रखा गया था और उसको दरकिनार करते हुए उसको अनदेखा कर दिया गया और किसानों के हित के लिए जब मंडी बनाया जा रहा है तो किसानों के हित को देखते हुए चंदली में मंडी दिया जाए, अन्यथा चंदली में अगर मंडी दिया जाए अन्यथा चंद्रपुर में ही हम लोग को धान खरीदी और बिक्री करने की अनुमति दिया जाए। मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हम लोग चंद्रपुर में धान दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत कलमा में होगा, इस वजह से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमारा धान चंद्रपुर में ही खरीदने की कृपा करें। चंद्रपुर से कमल अग्रवाल की रिपोर्ट, ACN 24।